तो व्हाट्सअप गाइस आ गए एक और नए व्लॉग के साथ। पेपर हो चुके हैं बिल्कुल फिनिश, अब कोई टेंशन नहीं है, अब तैयारी करते रहेंगे, अपने आगे की पढ़ाई करेंगे अपने साथ साथ। उसकी चैनल मैं अलग बना रहा हूँ, उसको आप सब्सक्राइब करना, उसमें जितने भी नोट्स हैं मेरे और वो सब मैं आपको एक एक लाइन से पढ़ाऊँगा। कल हमारे पेपर ख़त्म हो गए थे, एक दिन मैंने रेस्ट करा और पूरी अपनी नींद को पूरा करा। अब चलते हैं आज कहीं बाहर। ये मैंने अपना ट्राईपॉड मंगाया जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इससे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी हो गई, ज़्यादा हिल भी नहीं रहा है और इससे अब अच्छी वीडियो बना करेंगे, व्लॉग बढ़िया बनेंगे। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में बाहर, अभी खाना पीना खा के बाहर निकल जाएंगे। बाहर दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी काम भी चल रहा है बरेली में, सारे रोड बन रहे हैं, बाकी और भी चीज़ें हो रही हैं, वो मैं आपको सब दिखाऊँगा और कुछ फ़ोटो वोटो लेंगे वहाँ पर। फिर चलते हैं थोड़ी देर में, मैं आपको दिखाता हूँ। रोड भी बन गया। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी बरेली में एक एक रोड बनना है स्टार्टिंग से। ये सैटेलाइट का पुल, ये एंटर होगा एक कैंट एरिया में, पूरा यहाँ से कैंट स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा कैंट का एरिया चल रहा है अभी भी। और कौन सी लोकेशन पे जाएगा है बताओ तुम? चर्च चलें? चर्च चलो। रेड लाइट पर रुके हुए हैं अभी। हेलो गाइस, आ गए अभी चर्च पे, फोटो वोटो लेंगे यहाँ पे और साथ में हमारे ये भी है हारिश, इसी के ही फोटो खींचने आया हूँ। गाइस अभी फोटो लेते हैं फिर, और चर्च में बता दियो कैसा लग रहा है, सही है नहीं है? मैं दूसरा ले लूंगा, पैसे की कमी नहीं है, कहीं समझ रहे हो भिखारी विकारी हूँ वहाँ। यह है कुछ चर्च यहाँ का, कैंट का दूसरा वाला, पहला वाला आपको दिखाएंगे, पुराना चर्च है वो नया है जो बीच में इमाम साहब खड़े ही नमाज पढ़ाते हैं। कितने में पास हो रहे हैं? हाँ, 32.99। अभी हम जा रहे हैं यादगार, पहले पढ़वाएंगे पेट्रोल, पेट्रोल नहीं है बिल्कुल भी, स्कूटी खाली पड़ी है बिल्कुल। दिखाते हैं आपको यादगार कैसा है। पेट्रोल पड़वा लिया है, अब जा रहे हैं यादगार और कॉल पे कॉल कर रहे हैं लारे। हेलो, आप आ तो रहे हैं कि पेट्रोल पेट्रोल नहीं पड़वाए क्या? आ रहे हैं दो मिनट, भीड़ चेक करें गाइस, यादगार पे भीड़ देखो आप। जाना यार बंद करना, कोई ले जाएगा। तो गाइस कैंसिल हो गया, यहाँ पे भीड़ कुछ ज्यादा ही है, भीड़ देख के आ गए वापस।
जाएंगे कहीं और। 35 का सालन, 3 बार करी आती है, 5 की रोटी, पूरा मेन्यू याद है, पूरा मेन्यू याद है। बस सोच रहा हूँ उधर ही लग जाऊँ, पहले का कुछ नहीं हुआ। 5 नहीं हुए तो वहीं पे लग जाएगी। पहले से स्लॉट गाली रख बस, और उनसे बात कर लिया मैंने। चेक करो जरा यहाँ पे कुछ खूबसूरती अपने सैलानी की। सैलानी को तुम बुरा कहते हो बेटा गाइस। गाइस शिकंजी पीना आए थे सैलानी में अपने, सबसे बढ़िया दुकान है ये। गाइस खाना खा लिया है, अभी हम जा रहे हैं चाय पीने। गाइस ये हमारा उजाला, चौकी नजर मिलता है। मैंने सुना बात, सुनो मैंने सुना तुम सिगरेट लेने गए थे। मैंने तो आज तक सिगरेट पी नहीं है, चाय की बात हुई है यार। तुम पे टोकन कहाँ है? टोकन कहाँ है? उनके पास आओ ना। अबे उन पे नहीं है, यहीं पे ही है। टोकन लिया जल्दी जाके यार, मना कर रहे होगा तुमको। टोकन देना होता है, फिर मिलेगी चाय। तो भैया मुझे पता है, मैं यही का ही हूँ। अरे डाल यार, चाय रखो एक सेकंड तक यार। ये ले लो टोकन, और एक बन है ले लूँ क्या? बन ले ले, चाय उठा दोनों। है सही क्वांटिटी है यार, 10 के हिसाब से हैं। एक नंबर बने भाई, मज़ा आ गया। चाय वाय पी लिए, हम जा रहे हैं घर अपने। चलो जैसा कि आप देख सकते हैं, रात में कुछ इस कदर खूबसूरत हो जाती है अपनी बरेली। तो गाइस आ गए हम अपने घर, और जाना तो था हमें यादगार, लेकिन वहाँ थी बहुत भीड़ तो हम जा ही नहीं पाए वहाँ। और फिर दूसरी जगह गए हम, जो उसका नाम था मेरे ख्याल से बिस्मिल्ला होटल नाम है उसका। तो वहाँ खाइया, फिर क्या ही कर सकते थे, इतनी भीड़ थी, फिर कभी चले आएंगे। तो गाइस ये वाला ब्लॉग अभी मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।